हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रविचंद्र। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आप बैटरी का लाइफ कैसा बढ़ा सकते हैं और आपका बैटरी का मेंटेनेंस जो है वो क्या क्या करना है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा पहले बैटरी का हिस्ट्री। बैटरी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाड़ी का, आपको पता ही है। विदाउट बैटरी आप गाड़ी को स्टार्ट भी नहीं कर सकते। बैटरी पहले जो आती थी वो थी, बैटरी अलग आती थी, एसिड अलग आता था और पानी अलग आता था। और आपको अगर बैटरी की रिक्वायरमेंट रहती थी तो आप एक दिन पहले बैटरी वाले के पास जाते थे और बोलते थे कि भैया मुझे बैटरी दे दो, वो चार्जिंग में लगाता था, नेक्स्ट डे आपको बैटरी देता था। ये सिचुएशन थी। लेकिन एमरॉन ने इंडिया में पहली बार फैक्ट्री चार्ज बैटरी लाना स्टार्ट किया। फैक्ट्री चार्ज बैटरी क्या होता है दोस्तों? ये ऑलरेडी चार्ज बैटरी होती है, जीरो मेंटेनेंस बैटरी है, जिसके अंदर चार साल तक पानी डालने की भी जरूरत नहीं है। ये एमरॉन भी क्लेम करता है। सो दोस्तों, मेंटेनेंस की बात करते हैं, मेंटेनेंस में क्या क्या करना है बैटरी को। सो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो बैटरी का, ये है आपके टर्मिनल्स। ये काफी कोरोजन यहाँ पे जमा होता है, रस्टिंग पकड़ लेता है। ये क्यों रस्टिंग पकड़ता है? क्योंकि बैटरी का एसिड का पानी उड़ता है वहाँ पे, और जब बैटरी टर्मिनल पे लगी रहती है तो उससे हमेशा वायर से करंट पास होता है, करंट पास होता है, उसकी वजह से वहाँ पे कोरोजन भी जमा होता है। बैटरी ज़्यादा दिन अगर खड़ी होती है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोरोजन है, ये ऐसा बैटरी का कोरोजन होता है। सो उसमें आपको टर्मिनल हमेशा क्लीन करना है। उसको जैसा आप चेन को जैसा लूप करते हो वैसा ही इसका जेली आता है, जेली लगाइए उसके ऊपर, या एंटी कोरोजन स्प्रे भी आते हैं जो अभी नई टेक्नोलॉजी है, वो भी आप लगा सकते हो, उससे आपके टर्मिनल्स खराब नहीं होंगे। दोस्तों, टर्मिनल के ऊपर आप ये देख सकते हो कैप, ये कैप भी हमेशा रहनी चाहिए। ये कैप रहने का रीजन ये है, इनकेस कभी शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो आग वगैरह लगने के चांसेस नहीं होता है, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। आपके जो टर्मिनल्स होते हैं दोस्तों, ये हमेशा टाइटन रहने चाहिए, क्योंकि अगर टर्मिनल टाइटन नहीं रहेंगे, अगर लूज रहेंगे, कभी आपकी गाड़ी रास्ते में बंद भी हो सकती है या शॉर्ट सर्किट के भी चांसेस है। अगर टर्मिनल में दोस्तों गैप ज़्यादा रहेगा तो शॉर्ट सर्किट के भी चांसेस हो सकते हैं, आग भी लग सकती है गाड़ी में। सो मेक श्योर कीजिए कि जो आपके टर्मिनल्स है ये टाइटन रहने चाहिए। थर्ड चीज़ जो बताना चाहूँगा दोस्तों, ये आपका ब्रैकेट है। ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट हमेशा रहना चाहिए। गाड़ी का जो बैटरी ब्रैकेट है, काफ़ी लोग लगाते नहीं है या दूसरी बैटरी डालते हैं तो बैटरी ब्रैकेट नहीं लगा सकते, काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है। दोस्तों, आप मेक श्योर कीजिए कि बैटरी का ब्रैकेट हमेशा गाड़ी के बैटरी पर लगा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हिली एरिया में जाते हो, अगर इनलाइन में जाते हो, ऐसे हिली एरिया में चढ़ रहे हो तो बैटरी पीछे आने के चांसेस है। अगर नीचे उतर रहे हो कोई हिली एरिया से तो बैटरी आगे जाने के चांसेस है। सो अगर बैटरी लो करेगा, अगर उसके टर्मिनल कहीं पे टच होते हैं तो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट होगा, आपका ईसीएम भी उड़ सकता है। सो मेक श्योर कीजिए, अगर आपके बैटरी ब्रैकेट खराब है या नहीं है तो उसे हमेशा फिक्स रखिए, क्योंकि बैटरी हलनी नहीं चाहिए गाड़ी के अंदर। दोस्तों, गाड़ी पार्क करते किसी का वेट करने के लिए, या फिर काफ़ी जगह जो ड्राइवर होता है मालिक को ऑफिस में छोड़ देता है और गाड़ी में बैठा रहता है। सो गाड़ी अगर बंद है और आप अगर म्यूजिक सिस्टम को सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका बैटरी जो है वो डाउन होगा, वीक भी होगा, क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। आप उसको, आपका पूरा गाड़ी का जो सिस्टम है वो हो गया डिपेंडेबल बैटरी के ऊपर। जैसे ही मैं बताता हूँ आपको, अगर आपका गाड़ी स्टार्ट है, आप ये सब सिस्टम को चलाते हो तो आपका बैटरी डाउन नहीं होगा, क्योंकि अल्टरनेटर आपका बैटरी को वापस चार्ज कर रहा है। सो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी आप बंद गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम को ना चलाइए या कोई लाइट्स वगैरह ऑन ना कीजिए बंद गाड़ी में, क्योंकि ये आपका बैटरी का करंट का कंजम्पशन कर रहे हैं। म्यूजिक सिस्टम है, लाइट्स है, ये कहीं ना कहीं आपके बैटरी का करंट खा रहे हैं, और उसके बाद में अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं है तो बैटरी को डाउन कर देंगे, तो आपको गाड़ी स्टार्ट करने में दिक्कत हो सकती है। सो हमेशा ध्यान रखिए, ये एक अच्छी टिप देना चाहूँगा, इससे भी आपका बैटरी का लाइफ बढ़ता है। दोस्तों, आज जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बैटरी की लाइफ आपको कैसे अच्छी मिलेंगी, आपका बैटरी का मेंटेनेंस कैसा अच्छा रहेगा, सो ये जो सारी टिप्स है ये ध्यान में रखिए, ये बहुत हेल्पफुल है, इससे आपका बैटरी का लाइफ भी बढ़ेगा, आप कई रास्ते में अटकोगे नहीं। इमरजेंसी में अगर दोस्तों आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है और आपका बैटरी फंक्शन नहीं कर रहा है, सो मैंने एक वीडियो बनाया है उसके ऊपर भी, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, प्लीज़ उसे रेफर कीजिए। यहाँ पे भी देखो, कहीं आपको उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो दोस्तों, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि बैटरी को चार्ज करना होता है, लेकिन अभी जो नई जो टेक्नोलॉजी आई है उसके अंदर बैटरी फुल्ली चार्ज होती है। और काफ़ी लोग ये कहते हैं कि बैटरी खराब हो गई या कोई सेल वीक हो गया तो उसे रिपेयर कर लीजिए। दोस्तों, ये सील्ड बैटरीज होती है, ये बैटरी अभी रिपेयर नहीं होती है, आपको रिप्लेस ही करनी होती है। इनकेस ऑफ वारंटी अगर आपका रहता है तो कंपनी ये बैटरी रिपेयर करके नहीं देता है, ये कंपनी आपको रिप्लेस ही करके देता है।
दोस्तों मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, काफी लोग लाइट वगैरह चालू रख देते हैं और बैटरी डाउन हो जाती है। बैटरी डाउन होने के बाद में वो कंपनी में फोन करते हैं क्लेम के लिए। सो कंपनी वाले बैटरी को चेक करते हैं, बैटरी को पहले उन लोगों को चार्ज करना होता है, वो बैटरी चार्ज करते हैं, उसके बाद में वो लोड टेस्ट मार के चेक करते हैं कि आपका बैटरी सही में अच्छा है या खराब है। लोड टेस्टर में अगर आपका बैटरी अच्छा दिखाता है तो वो आपको रिटर्न कर देते हैं। सो बहुत टाइम कस्टमर ऐसा बोलते हैं कि बैटरी आपने रिपेयर करके दिया है। दोस्तों ये सील्ड बैटरीज होती है, इसे रिपेयर नहीं करते हैं, ये खाली चार्ज हो सकती है अगर आपकी डाउन हुई है तो। जो आपके गाड़ी में अल्टरनेटर काम करता है वही काम ये चार्जर्स करते हैं। सो चार्जर्स पे लोग बैटरी लगाते हैं। सो बैटरी चार्ज करना है अगर आपका डाउन हो जाता है तो। बहुत से टाइम ऐसा होता है आपका अल्टरनेटर काम नहीं करता है तो बैटरी डाउन हो जाती है, तो उसे चार्ज करके ही वापस लगाया जाता है गाड़ी में। सो आप एक चीज का ध्यान रखिए, ऐसा कंफ्यूज मत होइए कि आपको बैटरी रिपेयर करके दी है, क्योंकि कोई भी कंपनी बैटरी रिपेयर करके नहीं देता है आज के तारीख में, क्योंकि बैटरी अभी रिपेयर होती ही नहीं। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए। हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो पे काम कर रहे हैं, काफी अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने मिलेंगे, नॉलेज काफी शेयर कर रहे हैं कार रिलेटेड, बाइक रिलेटेड। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लीजिए, सो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा। राइडर्स प्लीज वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।